अब देखना कुछ ऐसे डेफिनेशंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कुछ ऐसे डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जो पूरे लॉ में अपने को देखने को मिलेगा, जगह जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आई बिलीव कि आपको ज्यादातर इन शब्दों का मतलब पता है, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, बट स्टिल कहीं सब्जेक्ट पढ़ते वक्त कोई कंफ्यूजन ना आए, कहीं किसी प्रोविजन को पढ़ते वक्त अपने को डाउट ना हो कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है, बोलकर 10-15 मिनट लगाकर एक बार ये जो बेसिक्स है दोबारा से हम लोग क्लियर कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, राइट। तो देखना कुछ बेसिक डेफिनेशन, सम बेसिक मीनिंग्स। जैसे कोई भी डेफिनेशन आप जब स्टडी करते हो, कोई भी डेफिनेशन जब आप स्टडी करते हो ना, तो डेफिनेशन के अंदर दो शब्द हमेशा आपको दिखाई देते हैं, या तो कोई भी डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होगा, इट मीन्स, या तो वर्ड यूज किया रहेगा इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, तो या तो वर्ड मीन्स यूज होगा या तो इंक्लूड्स यूज होगा, तो कहीं मीन्स वर्ड यूज होगा और कहीं इंक्लूड्स वर्ड यूज होगा। ज्यादातर आप देखोगे 90% केसेस में मीन्स यूज होता है और कुछ कुछ केसेस में इंक्लूड्स यूज होता है। तो अगर मीन्स यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इज अ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एंड इंक्लूड्स यूज हो रहा है इसका मतलब है इंक्लूसिव डेफिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो कंपनी, कंपनी में लिखा हुआ है कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स है कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट, यानी कि वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। बोला गया कंपनी मतलब वो कंपनी जो 2013 एक्ट में या पुराने एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है, मतलब जो इस डेफिनेशन में दिया गया है बस वही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। वट एवर इज गिवन इन द डेफिनेशन इज वेरी एग्जॉस्टिव एंड यू डोंट हैव टू मूव आउट ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन, यानी यहां जो भी चीजें लिखी गई हैं वो इलस्ट्रेटिव वे में लिखी गई हैं कि ये चीजें तो हैं, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसा आप देखोगे बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट को ही बेस मान के एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो दिस आर द इंक्लूसिव डेफिनेशंस जहां आपको देखने को मिलेगा बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, क्योंकि लॉ मेकर को वहां मीनिंग ना ब्रॉड रखना है कि अरे यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो तो आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट तो आएगा ही आएगा, पी एंड एल तो आएगा ही आएगा, मगर कुछ और भी आ सकता है, एनीथिंग जो सिमिलर नेचर का हो, एनीथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ इनकम, एनीथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ एसेट, एनीथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग सम काइंड ऑफ लायबिलिटी, तो वहां पे वो स्कोप अपना वाइडन कर दिया, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन यूज हो गया। और मीन्स का मतलब जो लिखा है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। उसके अलावा कुछ शब्द आपको जो डेफिनेशन में दिखाई देते हैं, जैसे नॉट विथस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, विदाउट प्रिजडाइज, ये कॉमन वर्ड्स है जो आपको डेफिनेशन में दिखाई देता है, राइट, किसी भी प्रोविजन में दिखाई देता है, रदर डेफिनेशन बोलना गलत होगा, किसी भी प्रोविजन में दिखाई देता है और हर एक्ट में दिखाई देता है, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे डीटी हो, चाहे आईडीटी हो, इकोनॉमिक लॉज है, हर जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब क्या हो गया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब है कि दैट प्रोविजन इज हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर प्रोविजन, That provision is going to overpower the other provision. इसको हम लोग non-obstant clause बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? Non-obstant clause बोलते हैं। तो अगर वर्ड notwithstanding लिखा हुआ है, notwithstanding anything, इसका मतलब वो जो provision है वो powerful है। Notwithstanding use करने का मतलब ही powerful। That provision is powerful. That is having an overriding effect over the other provision. ठीक है ना? That is having an overriding effect on the other provision. That is having an overriding effect on the other provision. देसी भाषा में बोले दूसरा प्रोविजन बाहर में गया, इस ये जो प्रोविजन है जिसमें नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड यूज किया हुआ है ना, अपने को इस प्रोविजन को फॉलो करना है, अपने को इस प्रोविजन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, मम्मी ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और पापा ने बोला नॉट विथस्टैंडिंग व्हाट एवर मम्मी सेड डू दिस, तो पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी ने जो भी बोला बाहर में जाए, जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉट विथस्टैंडिंग। अब लॉ के अंदर नॉट विथस्टैंडिंग का जब जिक्र आता है ना, तीन चीजों में आता है, तीन तरीके के फ्रेज यूज होते हैं। एक होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द एक्ट, एक होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज गिवन इन द सेक्शन, और एक होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज गिवन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी सेक्शन में लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द एक्ट, तो फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द एक्ट, यानी वो सेक्शन बोल रहा है कि भैया पूरे कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा गया है बाहर में जाए, जो मेरे सेक्शन में लिखा हुआ है, जो इस सेक्शन में लिखा हुआ है उसको फॉलो करो। अगर बोला जा रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दैट वेरी सब सेक्शन या नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दैट वेरी सेक्शन, इसका मतलब हम उस पार्टिकुलर सेक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, खाली पूरे लॉ को ओवरराइड नहीं कर रहे, उस पार्टिकुलर सेक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उन दो सेक्शंस में आपस में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है,
वो दो सेक्शंस आपस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं, तो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को क्या कर दे रहा है, ओवरराइड कर दे रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दैट वेरी सेक्शन फॉलो दिस। तो वहां पे से दूसरे सेक्शन को ओवरराइड करना या सब सेक्शन को ओवरराइड करना, एक्ट का मतलब पूरे एक्ट को ओवरराइड कर देना। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब भैया इस सेक्शन में जो लिखा गया है वो तो सुप्रीम है, वो तो मोस्ट पावरफुल है, इस पूरे एक्ट में अगर कुछ भी कॉन्ट्ररी लिखा हो तो आई एम ओवरराइडिंग दैट। इस एक्ट की छोड़ो, कोई भी दूसरा कानून है, कोई भी दूसरा कानून है, कोई भी दूसरा लॉ है, वहां भी कुछ कॉन्ट्ररी लिखा हो तो हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं। जैसे आईबीसी कोड में लिखा हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ, मतलब बोला कि भैया किसी भी लॉ में जो भी लिखा है बाहर में जाए, जो आईबीसी लॉ में लिखा गया है वहां पे वो फॉलो होगा। तो नॉट विथस्टैंडिंग नॉर्मली तीन फ्रेजेस में यूज होता है, इन द एक्ट, इन द सेक्शन, एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज कहते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट टू यूज होता है। अब सब्जेक्ट टू क्या है, इट इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, इट इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज एक्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट टू का मतलब ना इट रिप्रेजेंट्स अ इंडियन कल्चर, जगह देना, सामने वाले को जगह देना, भाई तू मेरे से बड़ा है, तू आगे निकल मैं पीछे पीछे आता हूं, तू मेरे से बड़ा है, तू आगे निकल मैं पीछे पीछे आता हूं। नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब था, एक सेक्शन में लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग, मतलब भाई मैं पावरफुल हूं ज्यादा, अब मैं किसी सेक्शन से ज्यादा पावरफुल हूं या पूरे लॉ से ज्यादा पावरफुल हूं या सारे लॉ से ज्यादा पावरफुल हूं, वो उसके लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट टू का मतलब तू मेरे से ज्यादा पावरफुल है, भाई तू मेरे से ज्यादा पावरफुल है, पापा कह रहे हैं बेटा डू दिस, बेटा डू दिस एंड डू दिस दिस दिस, सब्जेक्ट टू व्हाट एवर मम्मी सेड, बेटा मेरी बात मान लियो, लेकिन अगर मम्मी ने कुछ बोला है तो मम्मी की बात मान लियो। तो अपने आप कह देना कि सामने वाला मेरे से ज्यादा पावरफुल है, दूसरे को अपने से ऊपर जगह देना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट टू, उसको कहते हैं सब्जेक्ट टू, एंड दैट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग। उसके बाद एक फ्रेज फ्रेज यूज होता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या होता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब एक्सेप्ट फॉर, मतलब इस सेक्शन में जो लिखा गया है उसको मान लो, लेकिन अगर किसी दूसरे सेक्शन में कुछ और लिखा गया है तो फिर उस सेक्शन को फॉलो कर लेना, इस सेक्शन में जो लिखा गया है उसको फॉलो कर लो, लेकिन अगर किसी दूसरे सेक्शन में कुछ और लिखा गया है तो उसको फॉलो कर लेना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, उसके अलावा होता है विदाउट प्रिजुडाइज, वर्ड्स यूज होता है विदाउट प्रिजुडाइज। विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब बिना किसी और को तकलीफ पहुंचाते हुए, अगर सेक्शन में लिखा हुआ है विदाउट प्रिजुडाइज टू एनीथिंग कंटेंड इन दैट वेरी सेक्शन, तो बोला कि भैया उस सेक्शन में जो लिखा है उसको फॉलो करो, उस सेक्शन में जो लिखा गया है उसको फॉलो करो, लेकिन मेरे सेक्शन में जो लिखा गया है उसको भी फॉलो करो, मतलब हम दूसरे प्रोविजन को हेम्पर नहीं कर रहे, हम दूसरे प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर रहे, ये जो प्रोविजन है ये साथ साथ चलेगा, ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल रहेगा, दूसरा प्रोविजन भी एप्लीकेबल रहेगा, दिस सेक्शन इज नॉट ओवरराइडिंग अदर प्रोविजन, दिस सेक्शन इज नॉट गिविंग प्लेस टू एनी अदर प्रोविजन विदाउट हेम्परिंग एनी अदर प्रोविजन, ये प्रोविजन भी साथ साथ चलेगा। ये हो गया विदाउट प्रिजुडाइज, किसी और को तकलीफ पहुंचाए बिना, किसी और को तकलीफ पहुंचाए बिना, ये हो गया विदाउट प्रिजुडाइज। ठीक है, और सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या था, जो इस सेक्शन में लिखा गया है उसको फॉलो करो, अनलेस एंड अंटिल किसी दूसरे सेक्शन में कुछ और बात लिखी गई है। नॉट विथस्टैंडिंग क्या था, एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज था हैविंग एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, और सब्जेक्ट टू क्या था, ऑपोजिट ऑफ नॉट विथस्टैंडिंग। उसके अलावा डेफिनेशंस में ना कभी कभी वर्ड शैल यूज होता है, कभी कभी मे यूज होता है, कभी कभी शैल यूज होता है, कभी कभी मे यूज होता है। तो अगर शैल यूज हुआ है ना, मतलब मैंडेटरी है, उस सेक्शन में जो लिखा गया है उसको फॉलो करना ही होगा, और अगर मे लिखा गया है ना, मे यूज किया गया है ना, तो मे का मतलब हो गया डायरेक्टरी, एडवाइजेबल टू फॉलो बट नॉट कंपल्सरी, एडवाइजेबल टू फॉलो बट नॉट कंपल्सरी। तो शैल यूज किया गया है मतलब मैंडेटरी, करना ही होगा। मान लो कि भाई अगर 1,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, सब मान लीजिए कि लेटर से अगर 1,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो आपको ये चीज करना ही होगा, शैल। मे मतलब कर सकते हो, देख लो भाई आपकी मर्जी है। एक कंपनी है जिसके अंदर जो टॉप 1,000 लिस्टेड एंटिटीज में आती है, तो टॉप 1,000 लिस्टेड एंटिटीज में आती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसको दैट इट शैल कंस्टिट्यूट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, यानी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी वहां कंस्टिट्यूट करना ही होगा। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी हर एक लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही होगा। द ट्रिब्यूनल मे ऑन द एप्लीकेशन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन आया ट्रिब्यूनल चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकता है, बट कंपलसरी नहीं है। तो शैल का मतलब हो गया सर मैंडेटरी, और मे का मतलब हो गया ऑप्शनल, मे का मतलब हो गया डायरेक्टरी इन नेचर, मे का मतलब हो गया डायरेक्टरी इन नेचर। उसके अलावा पूरे लॉ के अंदर जो सबसे कॉमनली यूज होता है ना, वो होता है प्रोविजोस।
जिसका पर्पस होता है टू क्रिएट एन एक्सेप्शन इन एनी मेन कॉन्सेप्ट, हर चीज का एक्सेप्शन क्रिएट कर देना। और लॉ में हर सेक्शन में लगभग आपको प्रोवाइजो देखने को मिलेगा, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन आर द टू थिंग्स, कि हर सेक्शन में लगभग आपको ये दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहले लॉ मेकर प्रोविजन बनाता है, फिर लगता है कि नहीं यार इसका एक्सेप्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, ये तो जनरल प्रोविजन है इसका एक्सेप्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं प्रोवाइजो ऐड करके। फिर लगता है यार कुछ और कमी रह गई, एक और एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक और एक्सेप्शन ऐड कर देते हैं प्रोवाइजो ऐड करके। कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन बनाया, सेक्शन का एक्सेप्शन क्रिएट किया प्रोवाइजो डाल के, फिर लगा कि यार एक और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन का जरूरत है, तो फर्दर एक और प्रोवाइजो ऐड कर दिया। या फिर प्रोवाइजो का काम होता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, कि अचानक से कोई नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो एक प्रोवाइजो के थ्रू नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज हाउ द प्रोवाइजो इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल बोला गया सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट के अंदर कि कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होंगे, फिर प्रोवाइजो ऐड कर दिया बोला प्रोवाइडेड दैट मोर देन 15 डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर प्रोवाइजो ऐड करना है तो लॉ मेकर फर्दर प्रोवाइजो ऐड कर सकता है, उसका भी एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो कि नहीं भाई एसआर की भी जरूरत नहीं है अगर कंपनी ऐसा ऐसा कर दे। नए न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी कभी कभी प्रोवाइजो यूज होता है। फॉर एग्जांपल जो 1% कंपनी का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को ही उन्होंने प्रोवाइजो के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, तो दे हैव ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी बाय वे ऑफ प्रोवाइजो, तो कभी कभी नए कॉन्सेप्ट को भी समझाने के लिए प्रोवाइजो यूज हो जाता है, ठीक है। जो वर्डिंग्स होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर प्रोविजन के बाद लिखा है प्रोवाइडेड दैट, इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट लिखा है तो वो फर्स्ट प्रोवाइजो है। अब एक प्रोवाइजो आ गया उसके बाद दूसरा प्रोवाइजो आ रहा है तो वहां पे वो लिखेंगे फर्दर प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, तो ये क्या हो गया सर सेकंड प्रोवाइजो हो गया, ये क्या हो गया सेकंड प्रोवाइजो हो गया, तो प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्दर प्रोवाइडेड दैट सेकंड प्रोवाइजो। उसके बाद वी हैव एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन टाइम टू टाइम इंसर्ट किया जाता है। सेक्शन बता दिया, सेक्शन के अंदर लगा यार कहीं कोई एम्बिगिटी है, देयर इज द एम्बिगिटी, कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके ये लोग क्या करते हैं वहां पे क्लैरिटी लेकर आ जाते हैं। कहीं भी किसी सेक्शन में क्लैरिटी की जरूरत है, कहीं भी किसी सेक्शन में स्कोप को मान लो इंक्रीज करना है सेक्शन का, इंक्रीज द स्कोप ऑफ द सेक्शन, इंक्रीज द स्कोप ऑफ द सेक्शन, किसी सेक्शन के दायरे को भराना है, किसी सेक्शन के दायरे को कम करना है, कोई एम्बिगिटी रिमूव करनी है, कंफ्यूजन रिमूव करना है, क्लैरिटी की जरूरत है, तो एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं। और एक्सप्लेनेशन ऐड करके क्या करते हैं सर, वो क्लैरिटी को दूर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेक्शन 129 ने बोला कि अगर कंपनी का सबसी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होगा, लेकिन व्हाट अबाउट एसोसिएट्स, व्हाट अबाउट जॉइंट वेंचर्स, तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ए सेपरेट प्रोविजन फॉर देम, एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस वेरी सेक्शन सब्सिडरी इंक्लूड्स एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर, इस सेक्शन के लिए हम मानेंगे कि सब्सी के साथ साथ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स भी इंक्लूडेड है, जहां सब्सी वर्ड यूज होगा वहां एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर वर्ड भी यूज होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कुछ एग्जाम्पल्स लें सिर्फ कंपनीज एक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं कंपनीज एक्ट में। तो जैसे नॉट विदस्टैंडिंग सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है जो बाबा यूज होता है, तो 139 सबसेक्शन 5 का वर्डिंग देखोगे ना तो वहां पे बोला हुआ है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, तो उसका इंडिकेशन क्या है बोलने का कि भाई 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करता है, 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करता है, पूरे सेक्शन 139 को ओवरराइड नहीं करता, पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करता, 139 सबसेक्शन 5 सिर्फ और सिर्फ 139 सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मींस, बताने नहीं जा रहा मैं भी 139 सबसेक्शन 1 क्या था 5 क्या था। 197 सबसेक्शन 3 जो रेमुनरेशन का सेक्शन है डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन का, तो उसमें सबसेक्शन 3 का आप लैंग्वेज देखोगे तो बोला नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 एंड 2 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5, तो दोनों चीजें साथ में आ रही है। बोला 197 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड 2 को ओवरराइड करता है, पूरे सेक्शन 197 को ओवरराइड नहीं करता लेकिन सिर्फ सेक्शन 1 एंड 2 को ओवरराइड करता है, सबसेक्शन 1 एंड 2 को ओवरराइड करता है बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5, मगर शेड्यूल 5 को अपने से ऊपर जगह दे रहा है। तो 197 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि देख भाई मैं सबसेक्शन 1 एंड 2 से ज्यादा पावरफुल हूं बट शेड्यूल 5 मेरे से ज्यादा पावरफुल है। सेक्शन 199
जो रिकवरी ऑफ एक्सेस रेमुनरेशन का सेक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर हो गया था, अब उसकी वजह से रेमुनरेशन डायरेक्टर्स को एक्सेस चला गया तो रिकवर करना है, तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज किया गया है विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी लायबिलिटी इंकर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यानी कोई दूसरा लायबिलिटी है इस एक्ट के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर तो बिना उसको हैम्पर किए हुए, बिना उसको तकलीफ पहुंचाते हुए, दिस इज द रिकवरी पार्ट। कहीं कहीं दूसरी जगह कोई दूसरी लायबिलिटी है तो वो भी लगेगा, 199 में जो दिया गया है वो भी लगेगा। सेक्शन 217 सब सेक्शन 5 जहां पे बोला गया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंस्पेक्टर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो इंस्पेक्शन के चैप्टर की बात हो रही है। अब यहां पे भारी भरकम वर्ड यूज किया, बोला किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा गया है, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा गया है, जो इंस्पेक्टर यहां इन्वेस्टिगेट करने आ रहा है माना जाएगा कि उसका सिविल कोर्ट के सारे पास। तो जस्ट सम एग्जांपल्स हैव गिवन यू, उसका तो एंडलेस एग्जांपल हो सकता है, आप कोई भी सेक्शन उठा लो आपको उसी में मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। प्रोविजो का तो हर सेक्शन में एग्जांपल भरती है, एक्सप्लेनेशन का हर सेक्शन में एग्जांपल भरती है, आपको नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग बहुत सारे सेक्शन में देखने को मिलेगा, विदाउट प्रिजुडाइज कम सेक्शन में देखने को मिलेगा, बहुत कम सेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बट नॉट विथस्टैंडिंग ज्यादातर ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में ही आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि कोई सब सेक्शन दूसरे को नॉट विथ ओवरराइड कर रहा है, ये सेक्शन दूसरे से ज्यादा पावरफुल है, ये सब सेक्शन उससे ज्यादा पावरफुल है, विदाउट प्रिजुडाइज कहीं कहीं देखने को मिलेगा, राइट। देन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड कभी कभी देखने को मिलेगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स तो ये तो हर डेफिनेशन में देखने को मिलेगा, शैल एंड में बहुत कॉमनली यूज होगा, दैट इज समथिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है लॉ की जिसका आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो हमेशा लॉ को इंटरप्रेट करने में हमारे काम आएगा, लॉ को समझने में हमारा काम आएगा, तो कहीं इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए बेस हमने एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कुछ भूल चुके हो तो दोबारा से याद आ जाए, कहीं कुछ पता नहीं था तो पता चल जाए, ठीक है ना। तो अगेन यू नोट इट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू, जो भी आपको नोट डाउन कर लेना है नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में तो कुछ काम आएगा नहीं, बट किसी भी लॉ के डिस्कशन में जनरली आपके ये चीज काम आएंगी।